नमस्ते आप लोग को, द्वारकामाई शिरडी में। बाबा की पास आने से कितना शांति महसूस होता है वो आने के बाद आप लोग को पता चलेगा। धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपको आज पूरा शिरडी घुमाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा। 150 साल पहले वो नीम का पेड़ जिधर बाबा बैठ के तपस्या करते थे, और बाबा का शिरडी का मंदिर है, जो मंदिर के नीचे वो जो बाबा का मूर्ति है, बाबा के नीचे 6 फीट के नीचे उनका समाधि है। उधर 15 अक्टूबर 1918 में विजयदशमी के दिन उनका उन्होंने देहत्याग किया था वो टाइम पे। और वो है ना, शिरडी में आप जाने के टाइम में वो किधर खाना खाओगे, और बाबा का आश्रम है, ट्रस्ट है, आप किधर रहोगे पहले बुकिंग करना पड़ेगा। और उधर बाईजा माँ का घर है, महालसापति का घर है। पहले बाबा जब भी शिरडी में आए थे तभी खंडोबा का मंदिर में उन्होंने पहले उधर ही आए थे। उधर ही महालसापति ने उनको बुलाया था कि आओ साई। वो टाइम से उनका नाम साई बाबा है। और पूरा सब कुछ आपको दिखाऊंगा। वो लखीमबाई जिसको 9 सिक्का दिया था बाबा ने, अभी तक भी उनका घर में है वो फोटो में, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। शिरडी बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोग को, आराम से आइए, घूम के जाइए, फैमिली के साथ है, अंदर आप रेस्ट कर सकेंगे। और अच्छा से फ्री दर्शन है, पेड़ दर्शन है, और बीच बीच में आपको चाय मिलेगा, पानी भी मिलेगा, खाने के लिए बाबा का फ्री में है, खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है।